श्री बालाजी विकास सेवा संस्थान द्वारा एक सम्मान समारोह रंगोली मंडप रामपुर में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि नगर विधायक आकाश सक्सेना, जिलाधिकारी रामपुर रविंद्र कुमार मानदंड IAS, पुलिस अधीक्षक रामपुर राजेश द्विवेदी IPS, CDO रामपुर नंद किशोर कलाल IAS, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव जैन IAS रहे तथा विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुल्तान अहमद सैफी चेयरमैन इम्पैक्ट कॉलेज रहे। इस अवसर पर डॉक्टर सुल्तान अहमद सैफी चेयरमैन इम्पैक्ट कॉलेज तथा श्री सरताज अहमद MD इम्पैक्ट कॉलेज दूनापुर भोट जनपद रामपुर को शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान तथा ग्रामीण क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए रामपुर के रतन सम्मान से नवाजा गया। इसके अतिरिक्त जिले भर से आए कई उद्यमियों डॉक्टर्स टीचर्स सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त इम्पैक्ट कॉलेज के 10 टॉपर छात्र छात्राओं को भी शील्ड देकर सम्मानित किया गया और भविष्य में और अधिक कामयाबी हासिल करने का प्रोत्साहन भी दिया गया। इस अवसर पर संस्था अध्यक्ष श्री विशाल सक्सेना द्वारा बताया गया कि उनकी ये संस्था सर्वधर्म समभाव को समर्पित संस्था है, जो कि हर वर्ष इस तरह के सम्मान प्रोग्राम आयोजित करती है। सभी मुख्य अतिथियों ने संस्था के कार्यों की प्रशंसा की और इस प्रकार के कार्यक्रम अधिक से अधिक आयोजित करने पर बल दिया। आप यहाँ पर करते हैं, अभी थोड़ी दिनों पहले मुझसे मिले थे, मैंने पूछा था कि इस बार आपको पत्रकार सम्मेलन का क्या हुआ, इन्होंने कहा कि नहीं साहब वो हम लोग रखेंगे जल्दी। और पिछले वर्ष से जो हमने परंपरा शुरू की थी कि केवल एक औपचारिकता वो ना रह जाए, अच्छे आप लोग फैमिली के साथ आए, भोजन की व्यवस्था आपकी रहे, तो उस पे सब चीजों पे हम लोगों ने एक तैयारी यहाँ पे की है। एक बहुत अच्छी ट्रेडिशन इस जनपद में, बहुत अच्छा ट्रेडिशन ये है कि हर वर्ष ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर तरीके से बहुत ही सद्भावना पूर्वक यहाँ पे आयोजित किया जाता है। और आप सभी जो हमारे पत्रकार मित्र हैं, आपकी पूरे परिवार के साथ में आप यहाँ पर आते हैं, तो जो प्रशासन पुलिस और जितने हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, जितने हमारे पत्रकार बंधु हैं, आप सबका कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा रहता है कि कभी कोई, मुझे लगभग 3 वर्ष होने आ रहे हैं यहाँ पे और कभी ऐसा कोई इशू नहीं आया जिससे पत्रकारों के बीच में और प्रशासन के बीच में पुलिस के बीच में कहीं भी कोई टकराव की स्थिति बनी। तो निश्चित रूप से हमारा जनपद रामपुर और आप सभी लोग एक आदर्श उदाहरण पूरे अन्य जनपदों के सामने प्रस्तुत करते हैं। कई जगह से हम लोग, आप लोग भी देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे, मीडिया में इस प्रकार की खबरें आती रहती है, कहीं कोई इशू हो जाता है, और साथ साथ जो आपके माध्यम से जितने हमारे जनपद के लोग हैं, जितने हमारे जनपद के गरीब लोग हैं, जितने नीडी लोग हैं, उन सभी लोगों की आवश्यकताओं के बारे में भी हमको अवगत कराया जाता है, तो वो भी एक बहुत अच्छी आप सब लोगों की पहल है। क्योंकि कहा जाता है कि मीडिया लोकतंत्र में चतुर्थ स्तंभ है और नागरिकों के बीच में और शासन और प्रशासन के बीच में सेतु का काम करता है, तो निश्चित रूप से वो सेतु के दायित्व को आप सभी लोग बखूबी निभा रहे हैं, उसके लिए मुझे बहुत खुशी है। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि व्यक्तिगत रूप से मेरा हमेशा प्रयास रहता है आम लोगों के लिए भी कि जो उनकी दैनिक आवश्यकताएं हैं और नागरिक प्रशासन से जो उनकी उम्मीदें हैं, जो आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उसको हम सभी लोग पूरा करें, लगातार हम प्रयास भी करते हैं। और उसी क्रम में मैं पहले भी कहता आया हूँ, फिर मैं कहता हूँ कि हमारे पत्रकार मित्र हैं, आप लोगों की जो आशाएं अपेक्षाएं हैं।